यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा की खैरागढ़ इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक वरिष्ठ अध्यापक राम कुमार शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक संसाधन केंद्र खैरागढ़ में हुई। बैठक में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। माह जनवरी के वेतन के अभी तक भुगतान न होने, जनपदीय स्थानांतरण में स्थानांतरित हुए शिक्षकों की मानव संपदा आईडी अभी तक स्थानांतरित न होने, बड़ी संख्या में लंबित एरियर्स के सभी तक भुगतान न होने, विद्यालयों में वितरित होने वाली टैबलेट्स के लिए विभाग द्वारा CUG सिम उपलब्ध ना कराने, नेटवर्क अथवा तकनीकी समस्या होने पर ऑनलाइन अवकाश न डाल पाने की स्थिति में निरीक्षण के समय संबंधित शिक्षक को अनुपस्थित मान लेने, बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार हो रहे अव्यवहारिक प्रयोगों, शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने आदि को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी प्रकट की। बैठक के बाद ब्लॉक अध्यक्ष सुशील शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने एकत्रित होकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा के नाम एक ज्ञापन दिया। आज किस समस्या को लेकर BRC पर मीटिंग हुई है? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं सुशील कुमार शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा खैरागढ़ का। आज हम लोग यहाँ पे अपनी कुछ समस्याओं को लेकर इकट्ठे हुए थे। इसमें हमारी जो मुख्य समस्या है, एक तो हम लोगों का आज 15 तारीख हो गई, अभी जनवरी माह का वेतन हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। तो हम लोगों की सबसे पहली जो मुख्य डिमांड यही थी कि हम लोगों को जनवरी माह का वेतन जो है विलंब भुगतान कराया जाए। दूसरा, अभी म्यूचुअल ट्रांसफर में कई हमारे शिक्षक साथी हैं जो इधर से उधर हुए हैं, जो कुछ ब्लॉक में आए हैं, कुछ ब्लॉक से गए हुए हैं। हम लोगों की जो सबसे प्रमुख मांगों में से ये रहा है कि इनकी जो आईडी है, मानव संपदा आईडी है, उसको तुरंत ज्वाइन कराया जाए, जिससे आगे जो व्यवहारिक समस्या पैदा हो रही है, आगे 20 तारीख को हम लोगों को अटेंडेंस वगैरह लॉक करनी होती है, छुट्टियां भी लेनी होती हैं शिक्षक साथियों को, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अभी ब्लॉक में कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके एरियर पेंडिंग है। मार्च का महीना आ गया है, वित्तीय वर्ष खत्म होने को है, लेकिन अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि समय से भुगतान हो जाए, क्योंकि मार्च के बाद में वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर इन चीज़ों में दिक्कत आती है। टैबलेट के बारे में क्या चर्चा हुई थी? टैबलेट के बारे में हम लोगों का ये कहना है कि अब टैबलेट जो विद्यालयों में दी गई हैं, उनके लिए हम लोगों को सिम उपलब्ध नहीं कराई गई है, और सिम टीचर को स्वयं परचेज करना है वो अपनी आईडी पर, जो व्यवहारिक नहीं है। अगर विभाग टैबलेट उपलब्ध करा रहा है तो CUG सिम उपलब्ध करानी चाहिए, हम लोगों की ये मांग रखी है हम लोगों ने। सर, आज शिक्षकों को किस संबंध में यहाँ ज्ञापन दिया गया और आपने क्या बातचीत हुई? आज विकासखंड खैरागढ़ के शिक्षक संगठन यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन ने शिक्षकों संबंधित कुछ जो समस्याएं हैं उनको लेकर के BRC में उपस्थित हुए हैं। उनकी जो ज्ञापन में समस्याएं हैं बताई गई हैं कि जनवरी माह का वेतन में विलंब हो रहा है, और टैबलेट्स जो मिले हैं टीचरों को उसमें सिम नहीं मिला हुआ है, और कुछ एरियर इनके पेंडिंग हैं, और निरीक्षण के समय जब नेटवर्क जब काम नहीं कर रहा उसमें सहूलियत की इन्होंने दरख्वास्त की है। तो इनको जो हमारे स्तर से संभव है उस पर शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, और जो उच्च अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आता है उनके लिए उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो जैसा भी उचित निर्णय होगा वो पक्ष लिया। जो शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुँचे उन पर भी कोई कार्रवाई हुईगा? जी हाँ, जो शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुँचते हैं, अगर निरीक्षण में वो अनुपस्थित पाए जाते हैं, लेट पाए जाते हैं, तो जैसा हम लोग हमेशा पोर्टल पे उनको अनुपस्थित दिखाते हैं, जैसी भी स्थिति रहती है, और ऊपर उसका भेजा जाता है, और जैसा आदेश आता है कि संबंधित उनका वेतन काटने का या और करने का जैसा आदेश आता है किया जाता है।